शहीद हुआ क्या करते थे। आगे बढ़ते हैं। मुश्किने मक्का का जो है इस अकीदे को भी अपने ज़हन में रखिए कि वो कितना बेहतरीन अकीदा रखते थे। मुश्किने मक्का इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही करते थे। इस बात को याद रखिए, आप जो है परेशान हो जाएंगे कि इबादत वो अल्लाह की नहीं करते थे। इबादत अल्लाह की करते थे, लेकिन उसमें आमेजिश थी, मिलावट, उसमें मिलावट था, वो मिला के अल्लाह की इबादत करते थे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में जो है जिक्र किया है कुरान के अंदर, हदीस के अंदर आया है कि मुश्रिकीन मक्का हज किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, रोजा रखा करते थे। मुश्रिकीन मक्का खैरात किया करते थे। मुश्रिकीन मक्का जो है अल्लाह के लिए नजर मारा करते थे, सारी इबादतें किया करते थे, लेकिन फिर भी वो मुश्रिक, फिर भी वो जहन्नमी। मैं इसकी वजह आपको बताऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि वो इबादत किस तरह से करते थे। अब देखिए इस बात पर गौर कीजिए कि जो आदमी मस्जिद बनाता है, हदीस के अंदर क्या है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए एक मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, जन्नत में उसके लिए एक घर बना देता है। और एक हदीस के अंदर है कि जो एक परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए एक आलीशान महल जन्नत में बना देता है। गौर कीजिए कितनी खूबसूरत हदीस है। एक परिंदे के घोंसले के मानिंद भी अगर आपने मस्जिद में अपना पैसा लगा दिया, अपने मस्जिद के किसी कोने को बनवा दिया, अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत में खूबसूरत आलीशान महल आपको अता करेगा। ये जन्नत ये जो है मस्जिद बनाने की का जो है सवाब है और नेकी है। तो जो जो, जो इंसान एक मस्जिद बना दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। तो मुश्रिकीन मक्का ने कोई आम मस्जिद नहीं बनाई थी, कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं बनाई थी, वो मस्जिद बनाई थी कि जिस मस्जिद का तवाफ अगर हाजी न करे तो अल्लाह की कसम उसका हज मुकम्मल नहीं। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने से एक लाख सवाब है दूसरी मस्जिदों से, आम मस्जिदों से एक लाख सवाब उसमें ज्यादा मिलता है, ये वो मस्जिद है। बैतुल्लाह की तामीर उन्होंने की थी। बैतुल्लाह यानी खाना काबा को मुश्रिकीन मक्का ने तामीर किया था, नए सिरे से उसे बनाया था। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है किस तरह से उनके अकीदे को हमारे सामने बयान करता है। एक नाम था अबू वहब बिन आबिद बिन इमरान, ये उस मस्जिद के मुतवल्ली थे, सरदार थे खाना काबा के। उसने क्या कहा, उसने एक लफ्ज कहा कि ला तदखुलु फीहि मिन कसबिकुम इल्ला तय्यिब, कि ऐ लोगों इस मस्जिद को तामीर करने में, इस मस्जिद को बनाने में किसी जो है ऐसे वैसे पैसे न लगाना, हलाल पैसे लगाना, पाकीज़ा पैसे लगाना, वला तदखलू फीही महर बगीन, और ना ही किसी ज़नाकार के पैसे लगाना, किसी तवाइफ का पैसे लगाना, किसी तवाइफ औरत का पैसे लगाना, वला बैअ रिबा, और ना ही सूद का पैसा लगाना, वला मज़लमत अहद मिनन नास, और ना ही लोगों से ज़ुल्म किया हुआ पैसा लगाना। कितनी बेहतरीन बात है, मस्जिद को बनाने में हराम पैसा नहीं लगाना, सूद का पैसा नहीं लगाना, तवाइफों के कमाई हुए पैसे को नहीं लगाना, लोगों से जो छीन कर लाया है, लूट कर लाया है, जो जुल्म से हासिल किया है उस पैसे को नहीं लगाना। क्यों, ये अल्लाह का घर है। ये कौन कह रहा है, मुश्रिकीन मक्का कह रहा है, ये मुश्रिकीन मक्का के सरदार खाना काबा के मुतवल्ली कह रहा है। तो हमें ये बताइए कि इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी बेहतरीन मस्जिद, खाना काबा जो दुनिया के अंदर सबसे पहली मस्जिद, उस मस्जिद को मुश्रिकीन मक्का ने तामीर किया तो उसे क्या जन्नत मिल जाएगी? मुश्रिकीन मक्का जन्नत में चले जाएंगे? बोलिए क्या वो जन्नत में जाएंगे? हरगिज नहीं। मुश्रिकीन तो जहन्नमी है, दाइमी जहन्नमी, अबदी जहन्नमी, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। मस्जिद बनाया फिर भी जहन्नम। आगे देखिए एक और इबादत, हज करते थे। हज के बारे में तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने पैसे दिए, उस पर हज फर्ज है, टाल मटोल नहीं, फर्ज है। जब आप पर हज फर्ज हो जाए, जवानी हो या आप जो है बुढ़ापे में हो, जवानी के आलम में अल्लाह ताला ज्यादा जो है इबादत कबूल करता है। अगर आप जवानी में इस हिसाब तक पहुंच गए तो हज करना। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस,
वलम यबसुक रजअत कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1622 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज करने के लिए जाता है तो वो वहां से ऐसे लौटता है जैसे उसकी मां ने आज ही उसे जन्म दिया, आज ही वो अपने मां के पेट से निकला है, ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है, गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। जैसे एक बच्चा मां के पेट से निकलता है, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई गीबत नहीं, कोई चुगली नहीं, सारे गुनाहों से बच्चा पाक होता है, मासूम होता है। वैसे ही वो इंसान हो जाता है जो एक दफा हज कर ले और हज करके वापस लौट आ जाए, कोई बुराई ना करे, कोई फिस्क फुजूर वाला काम ना करे, तो वो उस बच्चे की तरह हो जाता है। मुश्किल मक्का अबू जहल है एक दो नहीं, तीन चार नहीं, बल्कि हजारों हज किए थे उन्होंने, हजारों हज किए थे, या यूं समझ लीजिए कि उन्होंने बेशुमार हज किए थे, बहुत ज्यादा अबू जहल ने हज किया था। लेकिन बताइए ये अबू जहल के इस हज करने की वजह से अल्लाह ने माफ किया, जबकि अल्लाह का नबी का ये हुक्म है कि वो बच्चे की तरह हो जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है। अबू जहल ने तो कई हज किए, तो अल्लाह ने उसे क्या उस बच्चे की तरह किया? हरगिज़ नहीं, बल्कि अबू जहल के लिए तो जहन्नम है। आगे देखिए, रोजा भी वो रखते थे, मुश्रिकीन मक्का रोजा भी रखते थे। जी हाँ, देखिए तामीर मस्जिद, हज, रोजा वो कैसे रखते थे? योमे आशूरा का रोजा हम सब जानते हैं, आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा, 10 मुहर्रम का रोजा आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मदीना के अंदर ये रखा गया, लेकिन नहीं, बल्कि ये मक्का का अंदर जमाना ही जाहिलियत में मुश्रिकीन भी रखा करते थे, मुश्रिकीन भी रखा करते थे। उनका ये दावा था कि हम दावत दीने इब्राहिमी पर कारबंद हैं। मुश्रिकीन मक्का जो है इनकार नहीं करते थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर अपने आप को जाहिर करते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के मानने वाले हैं। तो मुश्रिकीन मक्का जो है रोजा रखते थे यौमे आशूरा का, जिसके एक रोजा दो रोजा रखने का हुक्म है, जिसका रोजा आपने रख लिया तो आपके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, एक साल के गुनाह, एक साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। उस रोजा का मुश्रिकीन मक्का रखा करते थे। अब हमें ये बताइए कि इस रोजा रखने की वजह से क्या वो मुश्रिकीन मक्का कामयाब हुए? क्या अल्लाह ने उसे माफ किया? क्या उसे जन्नत की जो है खुशखबरी सुनाई? नहीं, बल्कि वो तो जहन्नमी खालिदीन फीहा, जन्नत में हमेशा रहने वाले। उसके बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम आमाल के बदले में उसे क्या इनाम दिया? मुश्रिकीन मक्का को क्या कहा? फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह अनआम आयत नंबर 88 के अंदर, वलौ अशरकु लहबिता अनहुम मा कानू यअमलून, इन लोगों के आमाल को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। और ये आयत जिस दिन में नाजिल हुई है उसमें 18 नबियों का तذکرہ है, 18 नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। उसके बाद फरमाया कि अगर ये लोग शिर्क करते तो इनके सारे आमाल को बर्बाद कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि मुश्रिकीन मक्का का अकीदा क्या था। वो अल्लाह को खालिक मानते थे, अल्लाह को राज़िक मानते थे, अल्लाह को मुदब्बिरुल उमूर मानते थे, दुनिया को चलाने वाला अल्लाह को मानते थे, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह को मानते थे, चांद सूरज को मुसख़्ख़र करने वाला अल्लाह को मानते थे, मुसीबत में अल्लाह को पुकारते थे, रोजा रखते थे, हज करते थे, तामीर मस्जिद को सवाब का काम समझते थे, लेकिन इसके बावजूद वो मुशरिक क्यों करार पाए? अल्लाह देखिए, मैं आपको बताऊं कि तौहीद जो है तीन किस्म है, एक तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्माउ व सिफात। तो अल्लाह को रब मानते थे, तौहीद की दुरियत मानते थे, अल्लाह के पांच सिफात का वो इकरार भी करते थे, अलीम बिज़ाति सुदूर अलीम भी वो मानते थे कि अल्लाह अलीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीज है, अजीजुल अलीम भी है, इस चीज को मानते थे कि अल्लाह गालिब है और जानने वाला है। तो अल्लाह की सिफात को भी मानते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को मानते थे, अल्लाह रब है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राजिक है, इन सब को मानते थे। लेकिन इख्तलाफ इसमें था जहन्नमी के लिए हुए, इसलिए कि वो अल्लाह को इलाह तो मानते थे लेकिन उस इलाह के साथ किसी और इलाह को भी मानते थे।
अल्लाह को माबूद तो मानते थे लेकिन उसके साथ किसी और को माबूद मानते थे। कुरान कहता है फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 18 के अंदर वयअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यज़ुरुहुम वला यन्फउहुम हाउलाई शुफआउना मिन्द अल्लाह। वो कहते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह के अलावा जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, जिसको तुम पूज रहे हो, जिसकी तुम परस्तिश कर रहे हो, ये ना नफा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते। तो ये लोग जवाब क्या देते, ये लोग कहते कि ये तो हमारे सिफारिश है, ये सिफारिश है, एक वसीला है, हम इसे वसीला बनाते हैं। मुश्रिकीन क्या कहते थे, अपने पुतों को हम जो है अल्लाह के सामने वसीला बनाते हैं, जो है सिफारिशी बनाते हैं कि हम कोई दुआ करें तो ये बुत अल्लाह तक पहुंचा दे, हम कोई चीज मांगे तो अल्लाह तक ये पहुंचा दे। बस यही वो चीज थी जिसके वजह से वो जहन्नमी करार पाए। वो वसीला ढूंढते थे, सिफारिश करते थे, सिफारिशी खोजते थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो जहन्नमी है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह उनके बारे में जो है आप इसका माना खुद खुद कर देंगे कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी दूसरे को कारसाज बनाते हैं, किसी दूसरे को दोस्त बनाते हैं, किसी दूसरे को अपना हाजत रवा बनाते हैं, अपना मुश्किल कुशा बनाते हैं, अपना जो है किसी दूसरे को रोजी देने वाला दाता समझते हैं, उन लोगों का ये कहना होता था मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इला अल्लाह ज़ुल्फा। वो क्या कहते थे कि हम इसकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दे, अल्लाह से करीब कर दे। अब जरा गौर कीजिए, आप तवज्जो दीजिए इस आयत पर कि मुशरिकीन बुतों को इसलिए नहीं इबादत करते थे कि वो हकीकी माबूद है, वो हकीकी माबूद नहीं समझते थे बल्कि वो अताई माबूद समझते थे कि हकीकी माबूद अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने इसे कुछ जो है कुछ ताकत दी है, अल्लाह ने कुछ तसर्रुफ करने की सलाहियत दी है, ये अताई माबूद है, हकीकी माबूद अल्लाह है। तो मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को हकीकी माबूद ही समझते थे, लेकिन उसके साथ अताई माबूद भी तीन के साथ रखे हुए थे। वो सिर्फ बुत नहीं थे, नबियों की तस्वीरें थी, नबियों की मूर्तियां थी, नेक साले लोगों की मूर्तियां थी। मेरे भाइयों, ये मुशरिकीन मक्का के अकाइद मुख्तसरन मैंने आप हजरात के सामने रखे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का के जो अकाइद थे उनसे मुकम्मल तौर पर बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर साबित कदम रखे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे। या इलाही आलमीन, पूरा के अंदर जो मुसलमान परेशान हो रहे हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाही आलमीन, जो लोग मस्जिदों को जला रहे हैं, मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं, या अल्लाह उनसे हिदायत दे, नहीं तो उसी आग के नजर कर दे। या इलाही आलमीन, हम सब यहाँ जितने लोग शरीक हुए हैं, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को तू माफ किया अता फरमा। या इलाही आलमीन, हम सब की जो है मगफरत अता फरमा। परवरदिगारी आलम, जो माओ बहने यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, परवरदिगारी आलम उनसे नेक साले रिश्ता अता फरमा। या इलाही आलमीन, हम सब के घरों में बरकतें नाज़िल फरमा। परवरदिगारी आलम, हम सब के घरों से मनहूसियत और शैतानियत को दूर भगा दे। या रब्बुल आलमीन, तुझसे इल्तिजा करते हैं, या इलाही आलमीन से ही दुआ करते हैं। परवरदिगारी आलम, हम सब को कल कयामत के दिन जनाब محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نصیب عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم، وتب علينا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔